वर्षों पहले हिमालय की किसी कंदरा में एक बलिष्ठ शेर रहा करता था। एक दिन वह एक भैंसे का शिकार और भक्षण कर अपनी गुफा को लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला, जिसने उसे लेटकर दंडवत प्रणाम किया। जब शेर ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने कहा, सरकार मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ, कृपया मुझे आप अपनी शरण में ले लें, मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार से अपना गुजर बसर कर लूंगा। शेर ने उसकी बात मान ली और उसे मित्रवत अपनी शरण में रखा। कुछ ही दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को खा खा कर वह सियार बहुत मोटा हो गया। प्रतिदिन सिंह के पराक्रम को देख देख उसने भी स्वयं को सिंह का प्रतिरूप मान लिया। एक दिन उसने सिंह से कहा, अरे सिंह, मैं भी अब तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूँ। आज मैं एक हाथी का शिकार करूंगा और उसका भक्षण करूंगा और उसके बचे खुचे मांस को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। चूंकि सिंह उस सियार को मित्रवत देखता था, इसलिए उसने उसकी बातों का बुरा न मान उसे ऐसा करने से रोका। भ्रम जाल में फंसा वह दम्भी सियार सिंह के परामर्श को अस्वीकार करता हुआ पहाड़ की चोटी पर जा खड़ा हुआ। वहां से उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई तो पहाड़ के नीचे हाथियों के एक छोटे से समूह को देखा। फिर सिंह नाद की तरह तीन बार सियार की आवाजें लगाकर एक बड़े हाथी के ऊपर कूद पड़ा, किंतु हाथी के सिर के ऊपर न गिर वो उसके पैरों पर जा गिरा और हाथी अपनी मस्तानी चाल से अपना अगला पैर उसके सिर के ऊपर रख आगे बढ़ गया। क्षण भर में सियार का सिर चकनाचूर हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पहाड़ के ऊपर से सियार की सारी हरकतें देखता हुआ सिंह ने तब ये गाथा कही, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी होती है उनकी ऐसी ही गति। सीखा, कभी भी जिंदगी में किसी भी समय घमंड नहीं करना चाहिए।